نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين سمي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हम आज अपनी अगली नशस्त का ग्रामर के मुख्तर तारुफ की अगली नशस्त का आगाज करने से पहले पिछली नशस्त की छोटा सा एक मुख्तर दोहराई का मामला करेंगे आप दोहरा लें मैंने पिछले सेशन में आपको फ़ेल का तारफ दिया था फेल की किस्में हमने पढ़ी थी फेल माजी जो मा, पास्ट टेंस के लिए फेल मुजारे जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए आता है फेल अमर जिसमें ऑर्डर है कमांड है रिक्वेस्ट है दुआ के लिए भी आता है और हुक्म के लिए भी आता है और फेल नहीं जिसमें कुरान की मनाही है और अल्लाह सुबहाना तसी चीज़ से मना करता है डोंट उसके बाद फेल मुज़ारे की अलामत जो हाल और मुस्कबिल दोनों के मानी से आते हैं उसके अलामत मैंने आपको बताई थी ब्रीफ़ वर्ड आतेन अलिफ ता या नून अलिफ मैं के लिए था ता तुम के लिए था या वो के लिए था और नून हम के लिए था और फिर हमने मुजारे में जमा की अलामत देखी थी कि जब वाओ और नून जबरना का इजाफा हो जाए तो वो क्या हो जाता है याबुदू जो है वो अगर या बुदूना बन जाए तो वो जमा हो जाता है ताबुदू अगर ताबुदूना बन जाए तो तुम बहुत से लोग इबादत करते हो या करोगे आज हम इसम इशारा इसम इशारा इशारे के लिए जो इस समय इस्तेमाल किया जाता है पॉइंटिंग वर्ड्स जैसे अगर इंग्लिश में देखें तो दिस दैट दीज दोज ये इंग्लिश के पॉइंटिंग वर्ड्स हैं और उर्दू में ये और वो है अगर आप देखें तो उर्दू और इंग्लिश में ये मुज़क़्कर और मस के लिए अलग अलग नहीं है लेकिन ये कि एक ही वर्ड है जो दिस गर्ल और दिस बॉय और दैट गर्ल और दैट बॉय के लिए एक ही वर्ड है लेकिन अरबी जबान में मुज़क़्कर और मस के लिए अलग वर्ड्स हैं तो इसम इशारा करीब यानि जो करीब की चीज़ है उसके लिए जो इशारे के अल्फाज हैं वो मुजक्र में वाद के लिए हाजा ये एक मुजक्र तो एक मुज़क़्कर के लिए जब इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट करेंगे तो हाजा जमा के लिए हा उलाई और आपने ये वर्ड्स देखे होंगे हाजल बलदल लमीन, हा उलाई यही वो लोग हैं जो ये काम करते हैं तो कुरान में बहुत दफ़ा ये अल्फाज आए इनका तर्जु आप याद कर लेंगे तो इन आगे से तर्जुमे में सहूलत रहेगी औरस के लिए हाजा की बजाय हाज ही और हा उलाई तो गोया इसमें मशारा करीब के लिए आपको फिर बेसिकली तीन वर्ड्स याद करने हैं मैं आपको बहुत ज्यादा आप तस्निया और उन सब डिटेल्स में नहीं ले जा रही हूं ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली कुरान में आएंगे और इनके साथ फेमिलरइज अगर आप हो जाएंगे तो इन शर्जुमे में बहुत ज्यादा सहूलत होगी हाजा हा उलाई हाजही हाजा वाहिद मुजक्कर के लिए हाजही वाहिद मोनस के लिए और हा उलाई दोनों के लिए तो तीन वर्ड से इशारा करीब आपको जनरली समझ आएगा इसे इशारा बैद यानी कोई जो दूर चीज पड़ी हुई है और हम उसको इशारा करते हैं वो देखो हाँ और या वो चीज़ ले लो या हम कहते हैं दैट और दोज तो इसी तरह मुजक्कर के लिए वाहिद के लिए वो एक जालिकल किताब बिल्कुल शुरू में होता है तो वो एक अल किताब क्या है उसमें कोई मोनस की निशानी नहीं है ना तो इसलिए वो मुजक्कर है उलाई का उलाईका होमुलफलिहून वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं मोहनस के लिए तिल का कल जन्ना जन्ना मोनस है ना तो फिर उसके लिए जो इसम इशारा इस्तेमाल होगा ना वो भी मोनस होगा ये याद रखिएगा कि अरबी जबान में मुजक्र और मोनस के साथ जो आ, बाकी वर्ड्स इस्तेमाल होंगे जो सिफ़ाती वर्ड्स इस्तेमाल होंगे जो पॉइंटिंग वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वह जो जमायर इस्तेमाल होंगे वो सब फिर मुनस ही होंगे और अगर बेसिक वर्ड जो है या इसम जो है वो मुजक्र है तो फिर उसके साथ इशारा भी मुज़क़्कर में ही आएगा मुज़क़्कर वाद है तो इशारा भी मुज़क़्कर वाद ही में होगा और अगर वो वाद मुज़क़्कर है तो फिर उसके साथ सिफ्त जो आएगी वो भी उसी सीखे में आएगी तो इसलिए उसके उसकी जो जेंस है उसको समझना भी ज़रूरी है तो तिल का मुआनस के लिए इस समिशारा बीद है और दोनों के लिए जमा में उलाए का ही है तो फिर इसमें फिर हम तीन ही वर्ड्स याद कर रहे होंगे जालिका वो एक मुजक्कर और तिल का वो एक मुन्नस और उलाए का वो बहुत सी चीजें दैट के लिए उलाए का यूज होगा दोज के लिए उलाए का यूज होगा इस मौसूला जिसका तर्जुमा जो जिस जिस को जिन को इस शक्ल में जो वर्ड्स आते हैं ना ये वर्ड्स आपने कुरान में बहुत दफा देखे होंगे और इसमें भी मुजक्कर और मुनस में फर्क है अगर मुज़क़्कर वाहिद है अल्लाजी अल्लाजी जला समावात तिबाका अल्लाह के लिए वो जो अल्फाज आ रहे हैं वो जिसने सात आसमानों को लेयर्स में बनाया तो अल्ला भी वो एक मुजक्कर जो या जिसको या जिसका ठीक है जमा जो है जैसे शुरू ही कुरान में आतेना यो मिन बिलकईी व युकी मुनसला तबा मुम्मा रजकना हम यून फिक्लजीना वो लोग जो या वो लोग जिनको या जिस को तो लिहाजा अल्ल वाहिद मुजक्र के लिए और अल्लाजीना जमा मुजक्कर के लिए मुन्नस के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अल्ला अल्लाती सुरा निसा में आता है अल्ला तखाफूना नशूसा होना कि वो तुम्हारी बीवी जिसके तुम नशोज़ से डरते हो उसकी नाफरमानबरदारी से डरते हो होती वो एक मानस जो या वो एक मस जिस की कोई चीज़ की बात हो रही है उसकी किसी सिफ्ट या की किसी हरकत की बात हो रही है वो जो मुन्नस अल्ला अल्लाई ये दोनों जमा मुन्नस के लिए इसम इसम मौसूला है वो औरतें जो सूर तलाक में आता है कि वो अल्लाम ना वो औरतें जिनको भी हेज़ नहीं आया अल्ला Allah, वो जो या इस नाममीज वो है से मायूस हो चुकी हैं तो वो जमा की बात जब आएगी इस मौसूला में तो उसमें अल्ला और अल्लाई ये दोनों वर्ड जो हैं वो आएंगे तो गोया अगर आप इन चार वर्ड से फेमिलियर होंगी और आपको याद होगा इनका तर्जुमा तो इन श्ला रवान तर्जुमा आसान होता जाएगा अल्लाजी अल्लाती अल्लाई और ये भी दो वर्ड्स बताती जाऊं मन और मां दोनों का मतलब जो आता है अब इनमें फर्क क्या है मन उस चीज के लिए जो आता है जो जिंदा है जो आकिल है जो लिविंग है मैं आकिल का वर्ड इसलिए यूज रही हूं कि ग्रामर की बुक्स आप देखेंगी तो उसमें आकिल का लफ्ज़ आ रहा होगा लेकिन आकिल का मतलब क्या है वो चीज़ जो लिविंग है जो जिंदा है उसके लिए जब जो का लफ्ज है वो आ, मेरा भाई जो वो मेरा चचा जो तो उसमें क्या आएगा उसमें मन आएगा और माँ उस चीज के लिए आता है जो गैर आकिल है जो जिंदा नहीं है जो नॉन लिविंग या जीरो नहीं है उसके लिए माँ आएगा वो मेरी किताब जो वो मेरी कहानी जो तो लिहाजा वहां पर क्या आएगा माँ आ जाएगा और जो लिविंग चीज है उसके लिए जब हमने जो करना है तो अरबी में मन आएगा ये छोटा सा फर्क मन और माँ में है और ये तर्जुमे में आपको इंशाला हेल्प देगा रूट छोटे वर्ड्स हमने हरूफ कुछ हमने किए थे और इनकी छोटी छोटी लिस्ट मैं आपको इसलिए देती रहती हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता से जब आप याद करती जाएंगी ना तो इन ये तर्जुमे में आपकी जबान पर जारी हो जाएंगे ये पहली लाइन हमने की थी आ का मतलब क्या बाजिर बी का मतलब सा ता का मतलब कसम वाओ जबर वाह कसम और और दोनों के लिए या आता है फा का मतलब पस है और मैंने कहा था कि यहाँ पे एक नुक्ते की कमी आ गई सीन जबर साफ का मतलब जो है वो अनकरीब अनकरीब है और लाम ज़ेर ली जो है वो आ, लाम ज़ेर ली का मतलब है वास्ते या लिए और काफ सबर का तू एक मुजक्र काफेर की तू एक मोनस काफ सबर का जब शुरू में हर मेंफ्ज लफ के आ जाता है तो फिर उस तिन कशरिन बतिन मैंने आपको मिसाल दी थी हाँ। अच्छा अभी अगले लाइन देख लीजिए इया का मतलब सिर्फ ओनली अला ऊपर अला तरफ टूवर्ड्स किसी चीज की तरफ जब हम जाते हैं तो कहते हैं इला। का मतलब है है इल्ला का मतलब भी है सवाए, other than, और और ये ये के नहीं, ये अन और ला को मिलके बनता है और रफी का मतलब बीच और मे या इन या विद इन और अला का मतलब है खबरदार हो जाओ सुन रखो तो लिहाजा ये आ, वार्निंग वर्ड है और आ, मिन का मतलब है से और मन अभी मैंने आपको बताया कि उसका मतलब क्या है जो जो आकिल के लिए इस्तेमाल होता है वो उस शक्ल में इस्तेमाल होता है रबनाला तुजलू बनाबाद इस हदई तना वबलना मिल त रोख म